हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी इस वक्त मैं हूँ कलंगुट बीच पे, जो कि गोवा का सबसे ज्यादा क्राउडेड बीच है। और ये इस सीजन का लास्ट कलंगुट बीच वीडियो होने वाला है, क्योंकि मई मंथ के बाद सब चीजें बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है वो आपको एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें मैं मई में जो सिचुएशन रहने वाली है वो कवर करूंगी। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि अगर आप मई मंथ में या कलंगुट बीच आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या सिचुएशन रहने वाली है, और मई मंथ के बाद यहाँ पे कैसे सिचुएशन बदल जाएगी। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं अपने चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ, तो अगर आपको गोवा की वीडियोज़ देखने में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कलंगुट बीच मार्केट, जो कि बहुत बड़ा है, और यहाँ पे गोवा में आने वाले टूरिस्ट की ज़रूरत का सभी सामान रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाता है। तो शॉपिंग के लिए ये मार्केट बहुत ही अच्छा है। और यहीं से अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो कलंगुट बीच है, और कलंगुट बीच से पहले ही यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप अपनी टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं, पेड पार्किंग अवेलेबल है यहाँ पर। और राइट साइड में फोर व्हीलर के लिए पेड पार्किंग अवेलेबल है। तो अगर आप कलंगुट बीच से पास में ही अपनी व्हीकल पार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और यहीं से आप अपने लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं या आप टू व्हीलर भी रेंट पे ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे कलंगुट बीच पे आराम से इजीली अवेलेबल मिलेगा। और ये यहाँ से और थोड़ा आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ और शॉपिंग ऑप्शंस हैं। सो यहीं से आप क्राउड देख सकते हैं, कितने सारे लोग अभी भी इस वक्त मई मंथ में, जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है गोवा में, उस टाइम पे भी अभी बहुत सारे लोग इस वक्त गोवा घूमने आ रहे हैं, एंड दे आर एंजॉयिंग गोवा के बीचेस पे आना। गोवा में मई मंथ में अगर हम वेदर की बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, बिकॉज़ अभी बारिश का मौसम स्टार्ट होने ही वाला है, तो उस वजह से वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। बट इन सभी चीज़ों के बावजूद भी आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि कलंगुट बीच पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने सारे लोग। अभी आपको दूर से तो कम ही दिख रहे होंगे, बट अगर आप यहाँ से, मैं अभी अब पास में लेके जाऊँगी आपको, तब आप देखिएगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। सो वेदर गर्म मिलेगा अभी आपको यहाँ पे। जैसे आप कलंगुट बीच के लिए एंटर करते हैं तो यहीं से अगर आप राइट लेंगे तो यहाँ पे पे टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको बाथरूम फैसिलिटी भी मिलती है। सो आप बीच पे नहा के यहाँ पे बाथरूम यूज़ कर सकते हैं, आप बाथ ले सकते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे टॉयलेट, पे बाथरूम एंड क्लॉक रूम की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे आप थोड़े देर के लिए बैठ सकते हैं या अपना बैग रख सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ोटोशूट के लिए स्पॉट्स मिल जाएंगे। तो आई लव गोवा और ऐसे कुछ हार्ट्स बने हुए हैं, जहाँ पे आप अपने गोवा मेमोरीज़ के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। सो कलंगुट बीच पे ऐसे ही पूरे बीच पे आपको बहुत सारे स्पॉट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कुछ अपने लिए नाइस फ़ोटोज़ क्लिक करके यहाँ से ले जा सकते हैं। इस बीच पे आपको ये नाइस सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, जहाँ पे जो भी शैक्स हैं उन्होंने अपने गेस्ट के लिए ऐसा एक बहुत ही बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट किया होता है। और नाइट में तो यहाँ पे जब ये लाइट्स जलती हैं तो ये जो जगह है और भी गजब लगती है, और यहाँ पे जब म्यूज़िक ऑन होता है तो आपके कदम ऑटोमेटिकली थिरकने शुरू हो जाते हैं। सो कलंगुट बीच इसी चीज़ के लिए बहुत पॉपुलर है फॉर नाइट पार्टीज़। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ऑलरेडी डांस करना इन्होंने शुरू कर दिया है, एंड जैसे जैसे इवनिंग आगे बढ़ेगी और म्यूज़िक और ज़्यादा होगा, क्राउड बढ़ेगा, तो यहाँ पे पूरा पार्टी सीन हो जाता है। और अगर आप कलंगुट बीच पे वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी मई मंथ में कलंगुट बीच पे सारे वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे पैरासिलिंग 1000 रुपीज़ है, विद डिप आपको एक डुबकी लगाई जाएगी पानी में। तो अगर आप वो डिप नहीं लेते हैं तो आपको ये थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। अगर आप जेट्स की लेते हैं तो 300 रुपये है, बनाना राइड 1000 रुपीज़ है फॉर
फाइव पर्सन, बम्पर राइड 500 रुपये है, और अगर आप ये पैकेज लेते हैं जिसमें ये सारे वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूडेड रहेंगे तो वो आपको 1,850 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। और अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो आप थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स वाले पर्सन हैं वो आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये था कलंगुट बीच पे वाटर स्पोर्ट्स। बीच पे अभी इस वक्त बहुत तेज़ हवा चल रही है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। तो चलिए अब मैं आपको कलंगुट बीच का एक व्यू दे देती हूँ कि अगर आप इस वक्त मई मंथ में अपना गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कलंगुट बीच पे क्राउड कैसा है और यहाँ पे कलंगुट बीच की वाइब कैसी है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कलंगुट बीच कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा आफ्टर मे मंथ, उसका यही रीज़न है कि बारिश शुरू हो जाती है, उसके बाद आपको क्राउड ऐसा ही मिलेगा कलंगुट बीच पे। रीज़न कि जो ऑफ सीज़न होता है, बारिश का टाइम होता है, उसमें क्योंकि रेट्स कम होते हैं तो बहुत सारे ग्रुप्स गोवा घूमने आते हैं और वो ज़्यादातर स्टे कलंगुट बीच पे ही लेते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे क्राउड आपको ऐसा ही मिलेगा। बट द ओनली चेंज कि यहाँ पे जो जितने भी शैक्स हैं वो कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे, जो नाइट पार्टीज़ होती हैं बीच पे वो आपको नहीं मिलेंगी। रेस्टोरेंट्स अवेलेबल रहेंगे बीचेस पे जहाँ पे आप अपने लिए खाना ले सकते हैं एंड वहाँ पे बैठ कर के आप खाना इंजॉय कर सकते हैं, म्यूज़िक अंदर ही रहता है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग, द ओनली डिफरेंस जो कि आपको मई मंथ के बाद मिलेगा। कलंगुट बीच पे जैसे कि हमेशा ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बट इन केस अगर आप कलंगुट बीच पे हैं और आपको लेस क्राउडेड जगह चाहिए जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, तो अगर आप मेन एंट्रेंस से थोड़ा सा चलकर दूर आएंगे तो आपको वहाँ पे क्राउड कम होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अभी इस जगह पे क्राउड कम है, तो अगर आप कलंगुट बीच पे हैं तो यहाँ पे भी लेस क्राउडेड जगह आपको मिलेगी। बस आपको यही करना होगा कि आपको मेन एंट्रेंस से थोड़ा सा दूर आना होगा। और आज कलंगुट बीच पे ये एक नई चीज़ है जो मैं पहली बार देख रही हूँ, यहाँ टूरिज्म पुलिस की तरफ से एक बोर्ड लगा दिया गया है जहाँ पे लिखा गया है कि आप अपने कैमरा, गोल्ड, वॉलेट, मोबाइल्स, इन सब का ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे चोरी के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहले ऐसे नहीं होता था, आप अपना सामान कहीं पर भी रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं थी, कोई आपका सामान नहीं उठाता था, बट नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप यहाँ पर होंगे तो आपको डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स काउंटर मिलेंगे, तो एक मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, ये सेकेंड वाटर स्पोर्ट्स काउंटर है। तो यहाँ पे आप रेट्स कंपेयर कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको रेट्स दिखाए थे और जो आपको रीजनेबल लगे आप वहाँ से अपना वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो जब भी मैं इस साइड आती हूँ तो मैं कलंगुट एंड बागा बीच दोनों सेम टाइम पे ही कवर करती हूँ, तो मैंने अपनी गाड़ी कलंगुट बीच पे पार्क की है और वहाँ से मैं वॉक करते हुए अभी बागा बीच की तरफ जा रही हूँ। सो ये दोनों बीच कनेक्टेड हैं, आप आराम से कलंगुट बीच पे उतर सकते हो, वहाँ से आप वॉक करते हुए बागा बीच तक आ सकते हैं अगर आपकी वॉकिंग कैपेसिटी इतनी है, बिकॉज थोड़ा डिस्टेंस है, टाइम लगता है और थोड़ी एनर्जी भी लगती है। सो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से जब आप कलंगुट बीच से बागा की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे जो शैक्स सब कैसे हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे लाइन से शैक्स हैं एंड अभी इस वक्त यहाँ पे इस पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, जैसे ही नाइट होगी, नाइट में ये पूरी जगह ऑल लिटअप हो जाती है और ये जो जितने भी बेंचेस हैं ये यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर सेटअप हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये था कलंगुट बीच, द क्रेजीएस्ट बीच ऑफ गोवा, वेरी क्राउडेड एंड वेरी पॉपुलर अमंग इंडियन टूरिस्ट। और अगर आपको देखना है कि नाइट में कलंगुट बीच कैसा दिखता है, यहाँ पे बीच पार्टीज कैसे होती है, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। नाइट में ये बीच और भी ज़्यादा हैपनिंग दिखता है, आपको बहुत सारी बीच पार्टीज करने मिलेगी, वो भी फ्री में। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और गोवा से रिलेटेड ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।